देखो हम छत पे आए हुए हैं, यहीं से व्लॉग शुरू कर रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर रेनी व्लॉग। छत पे आए हुए ताकि बारिश हो। पिछला 5 मिनट से हम छत पे हैं, बारिश होगा, मस्त भीगेंगे, नहाए भी नहीं है। ठीक है, आई केम ऑन द छत इंटेंशनली टू बैथ। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की क्या जरूरत थी रजुआ, पता नहीं। बट अभी हम जाएंगे और अपने स्पीकर भी लाए ऊपर में, ये देखो वहाँ स्पीकर रखा हुआ है, फोन से कनेक्ट करेंगे। बुक भी पढ़ रहे थे सुबह, मेरा सुबह का शुरुआत उसी से हुआ है। तो अभी हम जबरदस्त भीगेंगे और उसके लिए मेरे को चाहिए जबरदस्त बारिश। तो अभी अंदर चलते हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा नहीं भीगना है, मेरे को पूरा भीगना है। तेज से ताबड़तोड़ बारिश हो जाए, एक सूखा सूखा बारिश ना हो। बरसा दो भाई, बरसा दो, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे, हर तरफ बारिश। भीग जा मेरे प्यार में, भीग जा। वेट होना है मुझे यार। ऐसा लगता है तुम्हें ये वाली रजुआ को देख के, जिसने ना ही लिपस्टिक लगा रखा होता है, ना ही फेस पे कोई मेकअप किया होता है, जस्ट द रियल स्किन चमड़ी। यू लाइक द चमड़ी? ये देखो बारिश होने लगी। जिंदगी में कुछ रोमांटिक नहीं है तो बारिश से खुद ही को रोमांटिसाइज कर दो। थोड़ा जोर से बरस ना, बरसो ना रे मेघा मेघा। मूवी से चली गई तो बरसो के नहीं मेघा मेघा। वो देखो वो हम हैं और मेरे दोस्त हैं जो पता नहीं कहाँ है। एंजॉय करने का टाइम पे कोई रोबे नहीं करता है साथ में। देखो मेरे लाइफ का भी करंट कोट जो है ना, करंट कोट इन माय लाइफ कह सकते हो, वो ये है कि पहले इंग्लिश में बोल देते क्योंकि इंग्लिश में कोट है यार। स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू बी फेयर विथ अ लाइफ दैट्स अनफेयर। कुछ कुछ कोट ना इंग्लिश में अच्छा लगता है राइमिंग की वजह से, जैसे कुछ कुछ कोट हिंदी में अच्छा लगता है, जैसी करनी वैसी करनी, व्हाट यू डू इज व्हाट यू गेट। तो व्हाट यू डू इज व्हाट यू गेट बोलने में उतना मजा नहीं आया, बट जैसी करनी वैसी भरनी है ना, न करनी न धरनी तो फेरा में पढ़नी। कुछ कुछ स्लैंग ना उसी भाषा में सूट करता है। ये मेरा इंग्लिश में कोट है कि स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू बी फेयर विथ अ लाइफ दैट्स अनफेयर। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी जिंदगी जो हमेशा से अनफेयर ही फील होती है। यार देखा जाए तो हमेशा फील नहीं होती, जब अनफेयर होती है तो बुरा लगता है। हम लोग बोलते हैं लाइफ पूरी अनफेयर, अच्छी चीजें भी होती हैं। ओके मतलब मेरा क्वेश्चन और मेरा आंसर दोनों मेरे पास ही रहता है, बस मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। अब मेरे को मेरा आंसर भी मिल गया। आई थिंक ये बहुत इजी था। इसका आंसर ये है कि लाइफ इज नॉट ऑलवेज अनफेयर, बट व्हेन इट गेट्स टफ, जब लाइफ थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है तो हमें लगता है कि भाई लाइफ कितना खराब है। तो अच्छी चीज़ें हम देखते नहीं हैं आई थिंक। और जब भी लाइफ अनफेयर होती है तो वो हमें कुछ नया और कुछ अच्छा ला के देती है, ये भी तो बात है। अरे भाई हो गया सॉल्व हो गया। मुझसे बड़ा सोल्यूशन दार कोई है ही नहीं भाई। जोर से बरस जाओ ना रे। मैंने भी कहा तो इतना काफी है, थोड़ा सा और तेज, बस थोड़ा सा और तेज। पता चला रुक गया। इसलिए स्किन इंस्टीट्यूट का डीटॉक्स फेस वॉश। हो गया बरस गया मेघा मेघा। जल्दी 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 गाना। मेरे को म्यूजिक चाहिए मेरे को ना। यार बगल वाले छत पे कोई देख रहा है मेरे को, हम इधर ही नाचेंगे। हर जगह पत्ता किनारों का जैसे हवा, ऐसे भटकता हूँ दिन रात, दिखता हूँ मैं तेरी राहों में पूरों से ज्यादा। बारिश थोड़ा मोड़ा हो रहा है पर अच्छा सा हो गया है और मैं भीग लिया बहुत अच्छा। पर मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं मेरे को ऐसी आवाज़ आई कि मम्मी मेरे को बुला रही है। ऐसा होता है जब बहुत जोर से गाना बजाओ ना तो मम्मी पापा, बड़े मम्मी बड़े पापा चाहता था वो, जितने खानदान के लोग सबका आवाज़ कान में आने लगता है, बुला रहे दिल्ली से आवाज़ आ रही है। तुम दिल्ली में रहते? मेरा मतलब ये है कि तुमको ऐसा फील होता रहेगा कि नीचे से कोई तुमको बुला रहा है, बट जब असल में कोई बुलाता तो आवाज़ मम्मी बुला रही थी क्या? देखो नहीं, असल में कोई बुलाता है तो आवाज़ ही नहीं आती है, उसके बाद पिटाई होता है। मम्मी मम्मी ये देखो डांटोगी क्या? हम तुम छोटी थी तो अपने आंगन में नहीं नहाती थी क्या? जाओ ना, क्या बहस कर रही हो? मम्मी शायद बात करने के मूड में नहीं है। सही बात है, हम लोग मम्मी लोग को भी कभी कभी हल्का में ले लेते हैं। मम्मी तो सोने लगी है यार, मम्मी लोग का भी मूड होता है भाई। मेरा मूड तो भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो ये भीगने के बाद ना बंदा चेंज करता है, लेकिन मेरे को तुम लोगों से बात करने का है तो मैं दूसरे पहले तुमसे बात करेगा।
नहीं यार पहले चेंज कर लेता हूँ। अच्छा लग रहा है मेरे को, मेरे पीरियड्स भी आने वाले, पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों। आने वाला देर इज अ गड़बड़, देर इज नो गड़बड़, देर इज पीरियड। एक थॉट आ रहा है मेरे दिमाग में कि अपने लाइफ में मोमेंट ऑफ जॉय तो मैं खुद ही ढूंढना होगा, उसी टाइम में उन्हीं लोगों के बीच। ओके वी डिड इट टुडे, हमने आज बारिश में एंजॉय किया। मतलब ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा काम कर लिया है, ऐसा फील हो रहा है। जिससे तुम्हें यह पता चल रहा होगा ना कि ये कह सकते हो कि मतलब मेरे लाइफ का एक ऐसा फेज आ गया ना जब हम हर चीज़ को बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, है ना। तब हम छोटे छोटे चीज़ इंजॉय नहीं कर रहे थे बीच में, एंड देन आई रियली वॉन्ट टू स्टार्ट इट अगैन, एंड आई थिंक ये सबके साथ होता है, सो इट्स नॉर्मल। यस इट्स नॉर्मल माई बेबी। चलो जल्दी से नहा लेते हैं, सॉरी कपड़ा नहा ले क्या दोबारा, मतलब बारिश के पानी से नहाए या फिर नहाए क्या। हाँ नहाने का मन तो है, जाके नहा के फिर चेंज कर लेते हैं, देन आई विल टॉक टू यू। अनदर डे ऑफ ईटिंग चावल विथ प्याज, ये हम भीख में मांगे हैं दीदी से, और ये हम नीचे से निकाले हैं, और ये तो मेरे घर में मेरे को मिला है फ्री में, घर वाले कमाते हैं मुझे खिलाते हैं, और ये टीवी भी फोकट, मतलब मेरे लिए तो फोकट का मतलब मेरे घर वालों ने मुझे अवेलेबल करवा दिया है, अब वो चाहते हैं मैं इसकी कदर करूँ। मैं करती भी हूँ इसलिए मैं खोल के देखती हूँ टीवी। कभी कभी मैं नॉनसेंस बातें करती हूँ। क्या लगता है तुमको क्या लगाई है अभी टीवी में? वेट एंड वॉच, तब तक तुम लोग गेस कर सकते हो क्या लगता है क्या लगाई है। क्या लगता है तुमको क्या लगाएंगे? कल की, कल की लगाएंगे। तुमको लगता है मेरे टीवी में कल की का सब्सक्रिप्शन होगा? हाँ हम लगाएंगे जूधा अकबर एपिसोड 49। ये धारावाहिक किसी भी ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, इसका उद्देश्य तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए। देखिए कान्हा से मार्ग पूछ रही हैं, हम भी अपने कान्हा से ही मार्ग पूछते हैं। तो ये सीरियल चल रहा है, हम खाना खा लेते हैं, चम्मच से खाने का मन है, और फोन चल के लगा देते हैं चार्ज में। मम्मी उधर बाहर किसी को परेशान कर रही है, बेसिकली कुर्सी खरीद रही है, कोई भी कोई सामान बेचने आता है मम्मी उसको पकड़ लेती है, कितने का है कितना देंगे, ठीक है आप आइएगा अगला महीना, अभी तो पैसा नहीं है अगला महीना। अरे यार फिर से डिप्रेशन में चले जाएंगे हम, क्यों याद आ गया कि पैसा का कमी है घर में। मम्मी बेसिकली बोलती है ठीक है भैया देखिए अभी हमको जानते हैं, अभी आपको जानते हैं, अगला महीना आइएगा ये लेके हम ले लें, अगला महीना तक बिक नहीं जाएगा वो सामान। मम्मी और भैया के बीच में बड़ा बड़ा स्वीट डिस्कशन होता है, मम्मी कहते हैं भैया अगला महीना आइएगा लेके खरीद लेंगे। हम पागल वागल हो गए क्या, एक लाइन 10 बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? शायद हमको भूख लगाई थी, 2 बज रहा है कुछ खाए नहीं है, पेट में दर्द भी है, समझ रहे हो ना, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, जाके खाना खा लेते फिर बताते हैं तुम लोग। अभी तक तो नॉर्मलाइज हो चुका होगा कि कभी कभी हम एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, हो चुका है चिल ना। मम्मी कुर्सी वाले से कुर्सी भी EMI पर ले रही है क्या? बोल रही है 100 रुपया दे देते हैं बाकी पैसा बाद में देंगे। ए भाई जल्दी पैसा कमाए पर तो क्या हुआ, सुनो ना। हाँ बोलो कैसा है? ऑनलाइन, हम तो तुमसे मांगने वाले थे अभी। भैया तो भीख भीख के कुर्सी बेच रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं बारिश में भीख के कुर्सी बेच रहे हैं, आप कुछ ही दिखा रहे हैं, जब घर में चीर रहे इसका दाम तय करवाए हैं, देख। अरे तो एक काम करो जब नेक्स्ट मंथ आएगा, अभी मेरे अकाउंट में भी नहीं है। जाओ हो गया घर में कलेश। यार हम क्यों मूड ऑफ कर रहे हैं देखो। अरे भाई करंट मारा इसमें करंट मारा अभी हमको। यार देखो मेरा भी पीरियड्स आ गया है तो हमको मूड स्विंग हो रहा है, हम चिढ़ जा रहे हैं तुरंत, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। देखो गाइस ये मेरा जो कुत्ता है ना कभी कभी अचानक से हॉल में आके ऐसे मेडिटेशन करता है, ठीक है। करो करो लगे रहो, कोई तो कर रहा है मेडिटेशन। सबसे बेकार होता है ना जब तुम अपना फोन साइलेंट कर दो और तुम अपना फोन ढूंढो, तुम बता भी नहीं सकते हो घर में कि तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा, नहीं तो मम्मी बोलेगी साइलेंट क्यों रखती है फोन, कौन दादाजी का फोन आता है तुम्हारे, तो किसका फोन आता रहता है भैया जो फोन साइलेंट रहता है तुम्हारा, मम्मी का तो यही स्टेटमेंट रहता है, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं होता, कभी कभी कर देते हैं यार। पहले आता था जानू मानू सोनू का फोन, अब नहीं आता है। हम अपना फोन साइलेंट किए हुए थे, ढूंढ रहे थे, मम्मी को बताते नहीं यार जब साइलेंट रहता है, बहुत डांटती है। फोन मिल गया, लिपस्टिक रख लिया, यहाँ पे मेरा स्पीकर और बुक है, तो इन दोनों को हम लोग उस रूम में रख देते हैं। हम आपको बताए थे ना जन्माष्टमी के दिन कि मेरा चार्जर छूट गया मेरी फ्रेंड के यहाँ, तो अभी हम अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, चार्जर लेना है वापस, और उनका कुछ ड्रेस था मेरे पास, ड्रेस भी वापस करना है, और देखो सेम झोला लेके जा रहे हैं, झोले क्या मतलब झोला भी लौटा देंगे आज। मम्मी हम जाते नहीं पहुँच के फोन कर दे। हाँ?
जा तो नहीं पहुंच के फोन कर दे। मना कर दे बेटा कल कुछ नहीं होगा, हम रोशनी जी के जा रहे हैं। अभी ब्लॉग बना रहे हैं ना, जाएंगे तो फिर बनाएंगे। यार हमको बारिश में अपना जूता पहन के जाने का मन नहीं करता है, लगता है गंदा हो जाएगा, क्यों जाए। बट क्या पहने, जूता ही पहन लेते हैं यार। मेरे पैर में बहुत चोट लगता रहता है, जूता ही पहन लेते हैं ठीक रहेगा। आज हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना तो अपना चार्जर लेके जाते हैं साथ में, तो अभी हम अपना चार्जर ढूंढ रहे थे, फिर हमको याद आया हम चार्जर लाने ही जा रहे हैं। चीरो को बाय कर देते हैं, दीदी को भी बाय। दीदी दीदी तो सो रही है। चीरो बाय, चीरो बाय बाय। मम्मी, ए मम्मी गेट लगाओ, उठो उठो, दीदी सो रही है नींद से, तुमको आंख लग जाएगा, गेट लगाओ उठ के। नहीं जाएं, आ जाएंगे थोड़ी देर में, आ जाएंगे सोना। देखो ना कुछ चाउमीन बना रहे थे ना तो उंगली पे क्या जीरा पड़ गया, थोड़ के बहुत लहर रहा है, इतना सा है बताओ कितना लहर रहा है। बाय बाय बाय। हाँ पहना हुआ, साफ हो गया ना, देखो पहना हुआ, अंदर कर लेते हैं गारे। चलो बाय बाय। हम पता है बहुत ऐसा कैजुअली लेते थे इस चीज़ को कि भाई अब पैसा नहीं है तो घर ही से पैसा लेंगे, या कमा नहीं रहे तो घर से मस्त बोलते थे 500 रुपये चाहिए, 200 रुपये चाहिए। अब जब से थोड़ा मोड़ा अर्न करना शुरू किया ना, मेरे अंदर ये आ गया है, तुम उसको ईगो कह लो, सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो, मेरा धांधली कह लो, जो कह रहे यार आसमान। मतलब दुनिया में हमको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर सकता है लेकिन आसमान और भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, उससे भी ज़्यादा हमको कुछ। भाग लो, ये मोहल्ला का बचपन सब हमको परेशान कर देता है कभी कभी। वही बात है, क्या बोल रहे थे हम अभी, हाँ अब जब थोड़ा मोड़ा कमाने लगे हैं, अब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा तुम स्टेबल हो गए, स्टेबल नाम का तो अभी कुछ नहीं है। हाँ एक स्टार्टिंग हो गया, स्टेबल का ऐसा नहीं है पर स्टार्टिंग का ऐसा है, जो कि अच्छी बात है। स्टार्टिंग को हमें बहुत ही पॉजिटिवली लेना चाहिए कि हमने स्टार्ट किया, अच्छा स्टार्ट किया। कुछ पैसा रहता है मेरे पास और कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, बड़ा अजीब सा लगता है घर से लेने में कि 100 रुपये दे दो ऐसा। अब मेरे को लगता है सामने वाला भी ऐसा एक्सप्रेशन दे ही देता है, दिखा ही देता है कि पैसा तुम पे रह जाइए इस टाइप का। हम शूज पहन के निकल गए, पूरा रास्ता तुमको अच्छा मिलेगा, बस यहाँ पे हमको उस साइड कर दो। थैंक यू, अब फरिश्ता है। सफर खत्म हुआ ठीक है। हाँ थैंक यू, एकदम मेन टाइम पे आए हो। बाय बाय कर दो, अपना नाम तो बता दो। गौरव। अच्छा आज आपका नाम पता चल गया मेरे को। बाय गौरव। गौरव मेरे बगल में रहता है और बहुत अच्छा है, पता चल गया ना। मतलब हम उनको उसको पकड़ लिए कि भाई हमको टपा दो प्लीज, हमारा जूता खराब हो जाएगा। अब देखो रास्ता में कहीं और कुछ हुआ तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर हम जूता उतार लेंगे और हम पैर गंदा कर लेंगे। देखो धीरे धीरे मेरे अंदर भी लौंडे घुस रहे, लौंडे जूते खराब नहीं करने हमें, बिल्कुल नहीं करने। यस गुड। 6000 के जूते हैं या 2000 में खरीदे थे हमारे दोस्त ने डिस्काउंट में। पता है बहुत दिन से डिस्काउंट का मतलब हमको, मतलब कुछ कुछ वर्ड होता है ना जो हम लोग बस यूज़ करना शुरू कर देते हैं पर उसका मीनिंग निकालने का भी कोशिश नहीं करते। डिस्काउंट को जब हम तोड़े तो पता चला डिस्काउंट, डिस मतलब कि नहीं, काउंट मतलब कि काउंट नहीं करना, मतलब दिस इज डिस्काउंटेड नॉट काउंटिंग। ओह माय गॉड, वेरी वेरी डीप थॉट, कभी कभी डीप थॉट देने का आदत है। कभी कभी रियलाइज़ होता है कि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव तो है, मतलब उनसे जितना हो पाता है वो उससे ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, पर जब यही होता है कि हम जब ऐसा नहीं कि मेरा बचपन मेरा सब कुछ वो लोग फेस नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, ऑब्वियसली किए हैं, बट सिंस हम वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब करते हैं, जो कि उनके लिए मतलब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया है, बट स्टिल दे आर नॉट कम्प्लीटली कम्फर्टेबल विद दैट। तो इस वजह से जब हम डिस्टर्ब फील करते हैं या परेशान होते हैं ना तो फिर उनका कोऑपरेशन जीरो हो जाता है, क्योंकि वो खुद परेशान हो जाते हैं कि भाई खुद तुम इतनी परेशान हो, क्या ज़रूरत है ये सब करने का, यार पढ़ लिख रही होती है, ऐसा सीन हो जाता है कभी कभी। समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, आई नो तुम समझ रहे हो, बहुत समझदार हो तुम, काफ़ी ज़्यादा। ना 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 ना।
रहा है यहाँ पे अपनी फ्रेंड के यहाँ। मेरी फ्रेंड जो है वो मेकअप आर्टिस्ट भी है, ड्रेस भी डिजाइन करती है, जो कि तुम लोगों को दिख रहा होगा। हम यहाँ पे जब भी आते हैं ना तो हम ऐसे फ्रंट कैमरा से व्लॉग कम करते हैं और मिरर में ज्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास मिरर्स बहुत है और अगर एक लड़की है और उसके आसपास मिरर है तो वो खुश हो जाती है नॉर्मली, क्योंकि उसको अपना शक्ल देखने को मिलता है। बहुत बेसिक सा बात है। अभी मेरी फ्रेंड बाहर गई है शॉपिंग पे और हम नहीं गए, बोल रही थी साथ में जाने के लिए बट हम भी नहीं गए, अभी जस्ट शॉपिंग पे गए दोनों। मेरा मुंह थोड़ा उतरा हुआ है क्योंकि मेरे पेटू पेटू में दर्द है और भूल गया मैं क्या बोल रहा था। हाँ, हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमको व्लॉग एडिट करना और अपलोड करना और मेरे को थोड़ा थका थका भी लग रहा था तो हम नहीं गए। अभी 9:15 हो रहा है तो हम लोग बैठ के एडिटिंग कर लेते हैं। मेरे पेट में हो रहा है दर्द और जब पेट में दर्द होता है तो मेरे को चाहिए होता है चॉकलेट्स। अब पता नहीं ये कॉन्सेप्ट दुनिया में कौन लाया है कि पीरियड्स में पेट में दर्द होता है तो चॉकलेट्स खाना चाहिए, पर जिसने भी लाया है बहुत अच्छा लाया है। इसी बहाने हम खुद ही उनको याद रहता है कि चॉकलेट खाना। दीदी का बर्थडे भी था रिसेंटली तो दीदी को चॉकलेट मिली थी फरेरो रोचर। देखो वहाँ रखा हुआ है फरेरो रोचर, तो मैं फरेरो रोचर खा रहा हूँ क्योंकि दीदी मेरे को बोलिए कि खाओ बेटा ये लो खा लो। दीदी मेरे से थोड़ी बड़ी है तो दीदी मेरे को चॉकलेट दे दी खाने के लिए। हम सोचते हैं कि जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो क्या हम किसी को चॉकलेट देने वाला नेचर आ जाएगा, मतलब हमको नहीं लगता है कि ऐसा होगा। हम अपना बाल बच्चे को चॉकलेट भी छीन के खा जाए, मतलब बचपन में तो सब यही सोचता है ना। देखो क्या होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता।